हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HBACG टेस्ट के बारे में। क्या होता है दोस्तों ये HBACG टेस्ट? हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को मालूम करने के लिए किया जाता है। अब हेपेटाइटिस बी क्या होता है दोस्तों? लीवर में होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि वक्त से पहले अगर हम इसको ट्रीट ना करें या इस पर इसकी केयर ना करें तो ये क्रोनिक फॉर्म में चले जा सकता है। और क्रोनिक होने की वजह से लीवर सिरोसिस है या फिर लीवर कैंसर है, लीवर डैमेज है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों HBACG टेस्ट होता है, जिसको हम कहेंगे कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट। बहुत ही आसानी से ये टेस्ट हो जाता है, लेकिन दोस्तों एक डॉक्टर की निगरानी में हमको ये करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये टेस्ट क्या होता है, कब किया जाता है, इसको किस तरह से किया जाता है और इसके जरिए से हमको क्या क्या चीजें रूल आउट होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसलिए अभी से इस क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे साथ। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। अगर टाइम पे डायग्नोस और ट्रीटमेंट ना हो तो लीवर के लिए बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, इवन कैंसर तक हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि HBACG क्या होता है। HBACG, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यानी ये एक प्रोटीन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के जो आउटर सरफेस पर होता है। जब आपके शरीर में ये वायरस प्रेजेंट होगा तो ये प्रोटीन यानी HBACG आपके ब्लड स्ट्रीम में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग HBACG टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब आपको वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक बीमारी बन सकती है अगर इसका टाइम पर पता ना चले। लेकिन ये आप लोगों को बता दूं कि एक्यूट और क्रोनिक दो कंडीशन में होती है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से लीवर में इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है। अगर क्रोनिक हो जाए यानी बहुत ज़्यादा दिन हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सिरोसिस ऑफ लीवर यानी लीवर का स्कैरिंग या फिर लीवर का फेलर या लीवर का कैंसर बन सकता है, ये क्रोनिक फॉर्म अगर हो तो। HBACG टेस्ट का मकसद ये होता है कि आपको अर्ली स्टेज पर ही डायग्नोस कर लिया जाए, ताकि टाइम पर जो है ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं हम। इससे आप जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसको कैसे किया जाता है। HBACG टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। इसमें हेल्थ वर्कर एक छोटी सी सीरिंज से आपका ब्लड सैंपल लेता है। इस सैंपल को लेबोरेटरी में HBACG एंटीजन के लिए चेक किया जाता है, और इसके लिए हेल्थ वर्कर यानी जो हॉस्पिटल में या फिर ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ निडल सिरिंजेस का यूजेस होता है, या ऐसे पेशेंट अफेक्टेड जो पेशेंट होते हैं वो एडमिट होते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस होता है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट विद जो इन्फेक्टेड अगर पर्सन है, मुतासिर इंसान है, अगर उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो भी, और ड्रग यूज़र्स यानी इंजेक्शन से भी स्प्रेड होने का रिस्क हो सकता है। इन ग्रुप में से किसी में भी आते हैं तो आपको टाइम पर HBACG टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर हेल्थ वर्कर्स हो या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किए हो, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि वो न्यू बॉर्न में इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पर। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर इनकेस हुआ है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से या ड्रग यूज़र्स अगर हैं, तो ऐसे में टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही एक्टिव है, बचपन से ही यानी कि पैदाइशी जो है इसके लिए टीके लगवाए जाते हैं। तो आपका HBACG टेस्ट पॉजिटिव होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, आपको आगे के स्टेप्स के लिए गाइड करेंगे। आपको कुछ और टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट है जिसको हम LFT बोलते हैं, वायरल लोड चेक है, या फिर लीवर का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी हम कह सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के जो है तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए रेगुलर फॉलोअप और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस में डॉक्टर एंटीवायरल ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस को भी आपको रिकमेंड किया जा सकता है, जैसे कि अल्कोहल अवॉइड करना, हेल्थी डाइट लेना, लीवर का ध्यान रखना,
तो हेपेटाइटिस से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका वैक्सीनेशन ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क ग्रुप में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वैक्सीन आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे सकती है। HBsAg टेस्ट एक आसान और ज़रूरी टूल है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क में हैं तो अपने डॉक्टर से इस टेस्ट के लिए संपर्क करें। अर्ली डायग्नोस से आप हेपेटाइटिस बी के सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ हो, दोस्तों आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन